गलतफहमी हो रही है। अलादीन और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आग और तेल जितना दूर रहे उतना बेहतर। अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। जितनी जल्दी आप उस लड़के को अपने जहन से निकाल देंगी उतनी कम तकलीफ होगी। हमारी आपसे गुजारिश, आप अलादीन और शेख जिनों को कभी नहीं बताएंगे कि हमारी असली पहचान क्या है। अगर उनको सच पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हमने उनसे झूठ बोला है। हम उन्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे, हमारा वादा है। हम अपना वादा निभाएंगे और आप अपना। बाहर सब लोग दावत में आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। शहजादी साहिबा, आप हमारी बात पर अमल करें या ना करें, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। खाना तैयार हो गया, मैं खाना लेकर बाहर जाता हूँ। हाँ। और जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू के बारे में भी बात कर लूंगा। हाँ का, मौका मिलते ही टूट पड़ना। ठीक है, अब मैं और भी खाना ना यहाँ पे लाकर रख देता हूँ। ठीक है, हाँ तुम चलो, मैं भी आया। बोला बोला हबीबी, छा गई गरीबी। किसी को उसकी मोहब्बत के पास लाकर दूर रखना बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा पेट इसके लिए बेकरार है और ये खाना मेरे पेट में आने के लिए तैयार है। और मैं कौन होता हूँ इन दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रखने वाला। नुसरत, आप वो क्या है ना, खाने में तू गिर गया था, मैं वही देख रहा था। ये देखना हमारा काम है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी माफ कीजिए आपा, वो धक्का लगा ना तो ये खीरा मेरे मुंह पे आ गया, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गुस्ताखी हुई तो तुम्हें धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। माफ कर दीजिए, नहीं होगी। बादशाह शाहनवाज ना तो अपने कमरे में है और ना ही शाही दरबार में। मेरे बादशाह शाहनवाज कहाँ हो सकता है? बादशाह बामुलायजा होशियार, बगदाद के अजीम, बगदाद के शाने तक, बादशाह हुजूर और बगदाद की रानी साहिबा तशरीफ ला रही है। आप
मंजूर आदाब। बादशाह शाहनवाज, ये जश्न तुम्हारी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा, क्योंकि आज तुम्हारे हलक में हाथ डालकर मैं सारा सच बाहर निकाल लूंगा। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब और मेरे हर जख्म का हिसाब देना होगा। आज तुम सब लोगों का पहला इम्तिहान है। बाहर बगदाद के अजीम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। एक अच्छे खिदमतगार को यह समझ होनी चाहिए कि मेहमान को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा खिदमत भी बदसलूकी समझी जाती है और जरूरत से कम खिदमत शाही हुकूमत की शान के खिलाफ है। समझ गए? बेहतर। आका, तुम तो मंजिल के इतने करीब आ गए हो, पर तुम्हारे चेहरे पे खौफ क्यों? जानता हूँ जिनो, जिस लम्हे का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, जो फुलमा मेरे इतने करीब आ गया है, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बादशाह सलामत तशरीफ ला चुके हैं। हमारा काम यहीं से शुरू होता है। याद रहे, जैसी ताकीद की गई है ठीक वैसा ही होना चाहिए। किसी से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जाइए, अपना काम कीजिए। वल्ला वल्ला छा गई गरीबी। वो लड़का आपके करीब आ चुका है, हम उसे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। तुम रुको, तुम्हें बाहर मेहमानों की खिदमत करने जाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें यहां बर्तन धोने का काम सौंपा है। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। किसको कौन सी जिम्मेदारी पूरी करनी है ये हम तय करते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमारे हुक्म की तामील करने से इनकार करके हमारी तौहीन की है तुमने। तुम्हें इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए। अति उत्तम, अति उत्तम, वाकई में मजेदार किस्सा है। वल्ला वल्ला बेबी, छा गई गरीबी। इतना बड़ा कमरा, इतनी ऊंची दीवारें, इतनी बेशकीमती सजावट, बढ़िया है। यहां तो चुराने के लिए अम्मी अबू के लिए बहुत कुछ है। यहां सब लोग मौजूद हैं, शहजादी कहां रह गई? शहजादी यास्मीन, आका की पहली कमजोरी, आका के बचपन की मोहब्बत, कहां है शहजादी यास्मीन? अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे, तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। हमें काले चोर, शेख जिनू और बाकी लोगों से फासला रखना होगा। उन्हें हमारी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से उन सबकी नौकरी चली जाएगी।
अल्लाह हबीबी, जा गई गरीबी। हमने अपने दिल के टुकड़े को याद किया और वो आ गई। हमारा नूर, हमारे दिल की धड़कन, हमारी शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन, आका की शहजादी यास्मीन। काश अगर भाई यहां पे होता तो मैं बेहोश हो गया होता। उसे कब से इस लम्हे का इंतजार था, लेकिन अब शहजादी यास्मीन यहां पे तो वो कहां रह गया? मुझे माफ कर दीजिए नसरापा। अरे खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा का नाम लेते हो तो इबादत का मतलब भी समझते होगे। ये रसोई हमारी इबादत है, यहाँ बिना तकलीफ के किसी को कुछ हासिल नहीं होता। हमारी दी हुई सजा को इनाम समझकर कबूल करो, या तो तुम एक बेहतरीन खानसामा बन जाओगे या फिर यहाँ से निकाल दिए जाओगे। फैसला तुम्हारा है। सलामत के कितने खरीद था, लेकिन अब ये हथकड़ी आ गई। चाची चाचा की दी हुई मोहलत भी अब जल्द खत्म होने वाली। चाची मेरी अम्मी को जीने नहीं देंगी। मुझे कैसे भी करके बादशाह सलामत तक पहुंचना होगा। क्या करूं मैं? बादशाह शाहनवाज, पिछली बार तो तू मेरी गिरफ्त से बचकर निकल गया था, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। वो तुझे सारी दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का ऐलान करना होगा। हम अपनी शहजादी, अपनी बेगम और अपनी तरफ से यहां मौजूद तमाम बगदाद के जागीरदारों, रईसों और दूसरे मुल्कों से तेल का सौदा करने आए सियासतदानों का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ये तेल के कुएं सिर्फ बगदाद ही नहीं, पूरे दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तरक्की, खुशहाली, कामयाबी की ये नई सुबह आप सभी को मुबारक हो। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब कोई नहीं अब्बू। ये नई सुबह शहजादी और बगदाद के आवाम के हौसलों के बिना मुमकिन नहीं होगी। हर खिदमतगार को एक एक मेहमान सौंपा जाएगा। उस खिदमतगार को सिर्फ उसी मेहमान की खिदमत करनी होगी। शहजादी को अपने इस खिदमतगार के हुस्न का शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीनू। जी आपा। तुमको शहजादी साहिबा की खिदमत करनी है। जो हुक्म आपा। गुलबदन। जी आपा। तुम वजीरे आला जफर की खिदमत करोगे। आपा ऐसा गजब मत कीजिए ना। देखिए तो, मैं गुलाब ये कांटा, मैं पोसा ये चाटा, मैं चिड़िया ये चील, मैं कतरा ये झील। खामोश, जैसा कहा गया है वैसा करो। ये काला चोर कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नुसरत आपा ने उसे। बगदाद की शहजादी को इस नाचीज का सलाम।
आज के दिन मैं आपका खिदमतगार हूँ। मेरा नाम है शेख जिनू। जी जानते हम। या अल्लाह, शेख जिनू तो हमारी आवाज पहचान नहीं है। परेशान सिंह, आप परेशानी? तुमने हमें परेशानी कहा? गुस्ताख। नहीं नहीं, माफी माफी शहजादी, दरअसल ये आवाज पहले भी मैंने सुनी है। क्या है ना, हमारा हमारा गला थोड़ा खराब है, तबीयत नासाज है हमारी। जी जी शहजादी, कोई बात नहीं। ये लीजिए शहजादी। है? ये हाथ भी देखे देखे से लग रहा है। बड़े बदतमीज हो, हम नुसरत आपको बुलाए? नहीं शहजादी, नहीं, माफ कीजिए, मैंने ना ही ये आवाज पहले कहीं सुनी है और ना ही ये हाथ कहीं देखा है। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, प्यारी परेशानी जी शहजादी थोड़ी ना हो सकती है। प्यारी परेशानी जी तो कितनी गरीब है और शहजादी यास्मीन कितनी अमीर। खैर, अगर इस वक्त भाई यहाँ पे होता तो वो तो बेहोश हो जाता। लेकिन वो कपड़ा तो है कहाँ? जिल्ले सुभानी, दावत की शुरुआत की जाए, इजाजत है? जी। आपकी खिदमत में शाने बगदाद शोरबा हाजिर है। अति उत्तम, अति उत्तम। हम अपनी बेगम साहिबा के वालदिन का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। उन्होंने बगदाद को दो नायाब तोहफे दिए हैं। पहली हमारी बेगम साहिबा और दूसरी नुसरत आपा। आपकी इस इज्जत अफजाई के शुक्रगुजार हैं हम हुजूर। शहजादी, शोरबा पेशे खिदमत है। शुक्रिया। हुजूर, एक जरूरी बात करनी है। हकीम चाचा। सलाम हकीम चाचा। बकवास बंद कर, चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जा। माफी चाहता हूं हुजूर, न जाने कौन बेवकूफ था। माफ कीजिएगा हुजूर, दरअसल सूबेदार अकबर हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम। वजीर आला, फर्ज के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, आप जा सकते हैं। टूट ही नहीं रहा। मेरी राख ये मुश्किलें मासूम सा एक खेल है। साथ मेरे हौसला, सामने बर्नी में तेल है। बाबा अरे ये तो बहुत भारी है। तेल, चम्मच 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 कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक चम्मच तेल लीजिए और उसे हथकड़ी में ऐसे ऐसे डालिए, बहुत अच्छे, पूरे हाथ में डालिए और फिर अच्छे से मालिश कीजिए। हाँ हथकड़ी की। हाँ
और फिर धीमे धीमे घुमाई। थोड़ा सा दर्द होगा, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन घुमाते रहिए, घुमाइए, हाँ घुमाइए घुमाइए, हाँ। और अपनी अम्मी का नाम लीजिए, अम्मी। बावर्ची खाने में अपनी अम्मी को कौन याद कर रहा है? अब आपका आजाद हाथ आपके सामने। शुक्रिया अम्मी, मुझे बादशाह सलामत के पास जाके अब्बू का सच जानना होगा।